अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग ब्रेस्ट को पढ़ेंगे। पेक्टोरल रीजन का टॉपिक है ब्रेस्ट, जो कि सुपरफेशियल फेशिया में लाए करता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द पेक्टोरल रीजन। ठीक है, ब्रेस्ट ऑल्सो कॉल्ड द मेमरी ग्लैंड एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्लैंडुलर ऑर्गन। ग्लैंडुलर ऑर्गन बिकॉज इट इज़ अ ग्लैंड एंड सिक्रीट मिल्क। ठीक है, सिक्रीशंस देता है। और इसके अलावा हम लोग इसको मेमरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज़ रूडिमेंट्री इन मेल एंड वेल डिवेलप्ड इन फीमेल। मेल्स में क्या है कि ये रूडिमेंट्री होता है, इतना वेल डिवेलप नहीं होता, जबकि फीमेल में ये वेल डिवेलप होता है और एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है न्यू बोर्न को मिल्क के फॉर्म में। ठीक है, इसकी शेप देख लेते हैं। इट इज़ ए कोन, इट मे कोनिकल फ्लैट और दी हेमिस्फेरिकल। ठीक है, कोनिकल भी हो सकता है, फ्लैट भी और हेमिस्फेरिकल भी। ठीक है, इसकी सिचुएशन मतलब कहाँ पर यह लाई करता है। इट लाइज इन दी सुपरफिशियल फेशिया। प्रीवियस वीडियो में हमने सुपरफिशियल फेशिया और उसके कंटेंट्स को स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने कंटेंट्स में ब्रेस्ट को भी पढ़ा था। तो ब्रेस्ट किस में लाई कर रहा है, यानी किसका कंटेंट है, सुपरफिशियल फेशिया का। ठीक है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू दी फोर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। एंड अपर लेटरल क्वाड्रेंट हैज़ एक्सटेंशन। जो इसका अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, फोर्थ में से जो फर्स्ट पे होता है लेटरल साइड पे, वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है और एक एक्सटेंशन बनाता है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। बेसिकली ये एक्सिला वाली साइड पे चला जाता है एक्सटेंड करके क्वाड्रेंट की जो टेल है। ठीक है, जो एक्सटेंशन है। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये है हमारे पास ब्रेस्ट, पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, ये वाला। ठीक है, जो मीडियल साइड पे आएगा वो अपर मीडियल, लोअर मीडियल। ठीक है, जो लेटरल साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो वो लेटरल होगा। और जो ऊपर वाली साइड पे अपर पे है, वो है अपर लेटरल, और जो लोअर साइड पे है वो लोअर लेटरल। ठीक है, अब जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है ब्रेस्ट का, वो एक्सटेंड करता है और एक्सटेंड होके एक्जिला वाली साइड पे जाता है और एक टेल बना देता है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्जिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक है, अपर लेटरल क्वाड्रेंट है और एक्सटेंशन दे रहा है, और जिस फोरामेन के थ्रू ये एक्सटेंशन जा रही है उसको बोलते हैं फोरामेन लैंगर। ठीक है, ये है इसकी अपर लेटरल क्वाड्रेंट की एक्सटेंशन, और फोरामेन लैंगर के थ्रू ये जा रही है एक्जिला वाले पोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ बेस। इट एक्सटेंड मतलब ब्रेस्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली इट एक्सटेंड सेकेंड रिब टू सिक्स्थ रिब। ठीक है, जो सेकेंड रिब है वहाँ से लेकर सिक्स रिब तक जो है हमारे पास ब्रेस्ट वर्टिकली एक्सटेंड करता है। हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करता है मिड एक्सिलरी लाइन से लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम तक। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, सेकेंड रिब, दिस इज सेकेंड रिब। ठीक है, सेकेंड रिब से सिक्स रिब तक ये वर्टिकली एक्सटेंड कर रहा है, ये वर्टिकल है और ऐसे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये हमारे पास है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। ठीक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक ये हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर रहा है ब्रेस्ट। हमारे पास थ्री लाइंस है, हमने बेसिकली सरफेस लैंडमार्क्स में, पेक्टोरल रीजन के सरफेस लैंडमार्क्स में हमने थ्री लाइंस पढ़ी थी, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एंड इंटीरियर एक्सिलरी लाइन। जो ब्रेस्ट है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीप रिलेशंस का। ब्रेस्ट के डीप रिलेशंस कौन कौन से हैं। ब्रेस्ट जो है वो लाए करता है ओन सुपरफिशियल फेशिया, जिसको हम लोग पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं। लाए करता है ओन, इन करता है सुपरफिशियल फेशिया, यानी मेन कंटेंट है ये किसका, सुपरफिशियल फेशिया का, यानी सुपरफिशियल फेशिया के अंदर आता है ब्रेस्ट। और ये प्रेजेंट होता है ओन डीप फेशिया, यानी डीप फेशिया के ऊपर होता है ब्रेस्ट। ठीक है, मसल्स, इसमें मसल्स आ रहे हैं हमारे पास, थ्री मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर जो कि इसके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट के, और सीरेटस इंटीरियर, ये ब्रेस्ट के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, और एक्सटर्नल ऑब्लिक इन्फीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। ये है मसल्स, मतलब जो ब्रेस्ट है उसकी पोस्टीरियर साइड पे होगा पेक्टोरलिस मेजर, और इन्फीरियर साइड पे ब्रेस्ट के नीचे एब्डोमिन आता है, तो एब्डोमिन का जो मसल होगा वो होगा
एक्सटर्नल ओब्लीक, ये मसल जो एब्डोमिन का होगा, और जो लैटरल साइड पे यानी फिर लैटरली जाता है और स्कैपुला के साथ जो मसल अटैच होता है रिब्स के साथ, वो होगा सीरेटस इंटीरियर। लैटरल साइड पे सीरेटस इंटीरियस, इंटीरियर पोस्टीरियर साइड पे पेक्टोरलिस मेजर और इन्फीरियर साइड पे एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ठीक है, ये तीन मसल्स के रिलेशन थे। उसके बाद आता है हमारे पास रेट्रो मेमरी स्पेस। रेट्रो मेमरी स्पेस क्या होता है? ये लूज एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि ब्रेस्ट और डीप फेशिया के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। दीज आर दी लूज एरियोलर टिश्यूज सेपरेट ब्रेस्ट फ्रॉम डीप फेशिया। ठीक है, एक किस्म की ये स्पेस होती है ब्रेस्ट और डीप फेशिया के दरमियान, जो कि उसको मोबिलिटी भी प्रोवाइड करती है और मूवमेंट में भी असिस्ट करती है ब्रेस्ट की मूवमेंट में। कौन? रेट्रो मेमरी स्पेसिस। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा था शेप, सिचुएशन, एक्सटेंट ऑफ बेस, डीप रिलेशंस। ठीक है, फोर पॉइंट और फिफ्थ है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट है उसमें तीन चीज़ें आती हैं, स्किन आती है, पैरेन्काइमा आता है और स्ट्रोमा आता है। ठीक है, जो स्किन है उसको हम एक्सटर्नली देखें तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें स्किन पे दिखते हैं, वो है कोनिकल प्रोजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं निप्पल, और दूसरा हमारे पास होता है और एरियोला। निप्पल के अराउंड जो पिगमेंटेड एरिया होता है, सर्कुलर और राउंडेड एरिया अराउंड निप्पल, पिगमेंटेड एरिया, उसको बोलते हैं एरियोला। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये है डॉट, ये निप्पल है और इसके अराउंड जो है वो एरियोला। एरियोला की जो मार्जिन है उसके ऊपर मैंने डॉट्स बनाए हैं। बेसिकली मैंने बनाए हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी। ठीक है, ये ट्यूबरकल्स जो हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन और प्रेगनेंसी ये रेज हो जाते हैं। ठीक है, और उसको बोलते हैं, मतलब रेज हो जाते हैं ये, उसमें ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी में आता है। और जो इसकी स्किन के बाद आता है हमारे पास पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा में आते हैं हमारे पास लोब्स, डक्ट्स एंड साइनस। ये वो वाले लोब्स हैं जिनके अंदर हमारे पास लैक्टिफेरस डक्ट्स और लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट होते हैं जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होता है। और ये तमाम जो डक्ट्स और साइनस हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, वो ओपन होती हैं निप्पल में। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर। पेरेन्काइमा में आएंगे हमारे पास ये वाले सारे लोब्स। ठीक है, इसमें ये वाला एरिया जो है ये निप्पल का एरिया है और इसमें ये सारे डक्ट्स जो हैं ओपन होकर निप्पल में आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो लोब होते हैं हमारे पास 15 to 20 हैं। डायग्राम में हमने 3 बनाए हैं बट ये 15 to 20 होते हैं इन नंबर। और इन जो लोब्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई हैं और ये जो स्वोलन पार्ट है इस लोब का, एंड पे आके स्वोलन पार्ट बनता है उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस। साइनस बेसिकली एक स्पेस और एक स्वोलन पार्ट है। ठीक है, साइनस जो है वो एंड पे आके स्वेल करता है और साइनस बनाता है, और जब ओपन होता है किस डक्ट के थ्रू? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है और इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या है? लैक्टिफेरस साइनस। ये था पैरेन्काइमा में। उसके अलावा थर्ड पे आता है हमारे पास स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हमने जो मेन स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये लिगामेंट बेसिकली क्या काम करता है? एंकरिंग का काम करता है। जो ब्रेस्ट है उसको एंकर करके रखता है डीप फेशिया के साथ, अटैच करके रखता है। ठीक है, ये हमारे पास जो मैंने ये डॉटेड में बनाया है ब्लू कलर में डॉटेड, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? रेट्रो मेमरी स्पेस। और इसके जो पोस्टीरियर साइड पे ये ग्रीन कलर में है ये है डीप फेशिया, और ये जो ग्रीन लाइंस आ रही हैं ये वाली ग्रीन लाइंस, ये लिगामेंट है। कौन सा लिगामेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये लिगामेंट पूरा जो है ये ब्रेस्ट को होल्ड करके रखता है, एंकर करके रखता है डीप फेशिया के साथ। और ये जो पोस्टीरियर साइड पे मसल आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर। हमने तीन मसल पढ़े हैं, पोस्टीरियर साइड पे पेक्टोरलिस मेजर, लैटरल साइड पे ब्रेस्ट के लैटरल साइड पे है सीरेटस इंटीरियर, और इन्फीरियरली आ रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक। ठीक है, ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है जिसमें अब 3 पॉइंट्स हैं। स्किन में आता है एरियोला और निप्पल। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनमें फैट टोटली एबसेंट होती हैं, ये फैटलेस होते हैं, और ब्रेस्ट का जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इन लोब्यूल्स के अलावा उसमें फैट प्रेजेंट होती है, बट जो निप्पल और एरियोला का रीजन है उसमें फैट नहीं होती। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हमने पढ़ी ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी, ये स्किन था। सेकेंड पॉइंट पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हमारे पास लोब्स आते हैं, डक्ट्स आते हैं और साइनस आते हैं। ठीक है, और ब्रेस्ट में होते हैं 15 to 20 लोब्स। ठीक है, ये जो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहा है लोब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये लोब ओपन करते हैं
साइनस के थ्रू और किस डक्ट के थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, किस में, निप्पल में, ठीक है। होल होते हैं बेसिकली, ये पोर्स होते हैं, ठीक है। और पैरेन्काइमा में ये चीज़ आ गई। और जो हमारे पास थर्ड है सट्रोमा, उसमें मेन चीज़ है लिगामेंट ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, जो एंकरिंग का काम करता है, ठीक है, ब्रेस्ट को होल्ड करके रखता है डीप फेशिया के साथ। ये था हमारा आज का टॉपिक ब्रेस्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दी वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।